हेलो एवरीवन, इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल तो पहले सबसे पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। माई सेल्फ नितिका चंदेल। और अगर आप इस चैनल की ना वीडियोस में जाकर के चेक करोगे तो बहुत टाइम पहले जब हमने ये चैनल जस्ट स्टार्ट ही करा हुआ था तो उस टाइम पे एक वीडियो बनाई थी मैंने वुडन कॉम के ऊपर और उस पर काफ़ी बढ़िया रिस्पॉन्स रहा था। उस टाइम पे मैंने ये बताया था कि मैंने प्लास्टिक की कॉम यूज़ करना मेरे बालों पर पिछले 4 साल से छोड़ दिया है, कम्प्लीटली छोड़ दिया है। मैं सिर्फ वुडन कॉम को यूज़ करती हूँ और कोई और कॉम यूज़ नहीं करती। उसमें मैंने यहाँ पर अपने बाल ऐसे टाई करे हुए थे, ऊपर बन बनाया हुआ था, तो उसमें बहुत सारे कमेंट ये भी आए कि आपने तो अपने बाल दिखाए ही नहीं, तो कैसी ये हेयर केयर की कैसी वीडियो हुई, अपने अपने बाल ही नहीं दिखाए एंड ऑल। तो मैं आपको एंड तक देखना, मैं आपको अपने बाल ज़रूर दिखाऊंगी इसमें। और अभी के लिए इस लुक से बिल्कुल जज मत करिएगा भाई, मैं बहुत ज़्यादा लेजी हूँ और तड़ाके की हमारे यहाँ पर ठंड पड़ रही है और ठंड में तैयार होना ना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। उसमें बहुत सारे लोगों ने ये वाला क्वेश्चन पूछा था कि दी हमें कैसे पता लगेगा जो हम वुडन कॉम खरीद रहे हैं वो ओरिजिनल वुडन कॉम है या नहीं है। देखो गाइस, तो सबसे पहले मैं उस चीज़ का आंसर देना चाहती हूँ। वुडन कॉम ना बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप की होती है, यानी बहुत बहुत डिफरेंट टाइप की वुड्स की होती हैं। वो जो पर्टिकुलर हमने वीडियो बनाई थी उसमें जो वुडन कॉम में यूज़ कर रही थी वो थी नीम वुड कॉम की। आगे जो फर्दर आपके पास और टाइप्स भी होते हैं, आपके पास जो कहते हैं उसको शीशम आता है उसका भी वुडन कॉम होती है, और जिसके बेड वगैरह बनते हैं ना वो ही होता है शीशम। और आपके पास रोज़वुड का भी बनता है, आपके पास पीच वुड का भी बनता है, बहुत सारी अलग अलग टाइप की वुड्स आती हैं जिसका कॉम मैन्युफैक्चरिंग होती है। तो वुडन कॉम का जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, कॉन्सेप्ट यही है कि वो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं करता। देखे होंगे ना बचपन में हम लोग फुट्टा लेके कैसे स्कूल में खेलते थे, फुट्टा लेके पहले अपने क्लोथ पे रब करते थे, फिर उस फुट्टे से हम लोग पेपर के जो पीसीस थे वो कैच करते थे। तो वो ड्यू टू स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी था, क्योंकि प्लास्टिक जो है वो जो स्केल था वो प्लास्टिक का होता था, वो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। और उससे क्या होता है, वो सेम चीज, वो सेम एक्शन हमारे बाल में भी होता है, उससे हमारे बाल हो जाते हैं थिन, डैमेज, ब्रिटल हेयर्स होते हैं और ओवर द टाइम फिर डैमेज होंगे। सिंपल सी बात, जब मैं स्कूल में होती थी ना, अप टू यू कैन से अप टू माय ग्रेजुएशन जो मेरे बाल थे वो बहुत ज्यादा स्प्लिट एंड टाइप के बाल थे। इतने ज्यादा स्प्लिट एंड हो गए थे मुझे, इतने ज्यादा स्प्लिट एंड हो गए थे कि एक टाइम पे मैंने अपने हिप लेंथ के जो हेयर थे उनको डायरेक्टली शोल्डर लेंथ का भी करवा दिया था। इतने ज्यादा स्प्लिट एंड हो गए थे, पूरे खराब बाल हो गए थे, ऐसे बोल सकते हैं। यहाँ यहाँ तक काले थे, नीचे पूरे वो ब्राउन लुक देते थे। तो उसके बाद में जब यूनिवर्सिटी में मेरे हाथ में आई वुडन कॉम, और उसके बाद से मैंने बैक स्विच नहीं करा हुआ है। मैंने उस वीडियो में ये भी बताया था कि मेरी जो उस टाइम की भी मैं वुडन कॉम थी वो ख़राब हो गई थी, तो उसके बाद मैंने 2 वुडन कॉम और खरीदी थी। मैं आपको गाइस बताती हूँ उसकी हाल। ये देखो, ओह शिट, बाल देखो, ये उसकी हाल हो गई है। देख सकते हो आप कितनी इसकी ख़राब हालत हो गई है, ये टूट गई है पूरे तरीके से। तो इसके बाद मैंने ऑब्वियसली और भी ऑर्डर करनी थी। इसके बाद मैंने जो वुडन कॉम ऑर्डर करी, ये वुडन कॉम्ब ऑर्डर करी थी, और ये भी मैंने 2 के सेट में ऑर्डर करी थी। ये दूसरी वाली है, करंटली मैं यूज़ कर रही हूँ, ये पहले वाली है। एक्चुअली जब मैंने ये वुडन कॉम्ब ऑर्डर करी थी ना, इसको भी ऑर्डर करे हुए मेरे को 4-5 महीने हो चुके हैं। जब मैंने ये ऑर्डर ही करी थी तो उस टाइम भी मैंने एक वीडियो बनाई थी कि ये वुडन कॉम्ब मैंने ऑर्डर करी है और ये आप लोग भी ले सकते हो। ये नीम वुड की कॉम्ब है एक्चुअली। इसका जो लिंक है वो भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप उसको ज़रूर चेक कर लीजिएगा। और आप में से जो भी कोई वुडन कॉम्ब यूज़ कर रहा है अपना भी रिव्यू नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करना कि कौन कौन यहाँ पे वुडन कॉम स्क्वाड को बिलोंग करता है। मैं तो बहुत ज़्यादा बड़ी फ़ैन हूँ वुडन कॉम की। लेकिन क्या हुआ कि जब मैंने इनको यूज़ करना शुरू किया ना, तो स्टार्टिंग में मेरे जो बाल थे उसमें बहुत ज़्यादा फंसने लग पड़े, बहुत ज़्यादा टूटने लग पड़े, बहुत ज़्यादा टूटने लग पड़े। तो आई डिड नॉट पोस्टेड दैट वीडियो बिकॉज मेरा साथ उसमें बाल में अच्छा एक्सपीरियंस नहीं हो रहा था, ख़राब बाल हो रहे थे, तो मैं आप लोगों से उसमें क्या शेयर करती। फिर मैंने कुछ टाइम के लिए वुडन कॉम को यूज़ करना ही बंद कर दिया। आई स्टार्टेड यूजिंग जो वाइट टूथ वाली प्लास्टिक वाली कॉम होती है ना, जिसको आप कई बार कहते हो कि शावर कॉम भी होती है, उसी को मैंने एज अ रेगुलर कॉम यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। बट आफ्टर सम टाइम आई रियलाइज कि नहीं, उससे तो बाल ख़राब हो जाएगा, प्लास्टिक वाली से क्या फ़ायदा हुआ 4-5 साल फिर वुडन कॉम यूज़ करने का। देन आई अगेन गिव इट अ ट्राई। तो आफ्टर सम टाइम मैंने रियलाइज़ किया, एक्चुअली एक को मैंने नहीं खोला, ये अभी भी पैकेट में, दूसरी वाली को मैंने खोल के यूज़ करना स्टार्ट कर दिया काफ़ी टाइम से। अगर आप देख सकते हो ना, आपको मैं एक चीज़ बड़ी क्लोजली दिखाती हूँ, देखना इसमें कलर डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। सी कैन यू सी द कलर डिफरेंस। यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, जो उसका फर्स्ट टीथ है ये देखिए ये किस कलर का है, और रेस्ट क्या किस कलर की कॉम ये हो चुकी है। ये जो कलर इसमें चेंज आया ना, ये ड्यू टू जो बालों में तेल रहता है उसकी वजह से इसमें कलर चेंज आया है।
और जब मैंने थोड़ी बहुत रिसर्च करी तो मुझे पता लगा कि जो वुडन कॉम्ब है उसको यूज़ करना चाहिए ऑयल ट्रीटमेंट देने के बाद में, तो उससे उसके जो ब्रिसल्स होते हैं वो और ज़्यादा जेंटल हो जाते हैं आपके बाल के ऊपर में। तो ओवर द टाइम मेरे को तो ये अभी थोड़ा टाइम पहले पता लगा है, जब मैंने सर्च करा तो मेरे को ये नॉलेज में आया, उससे पहले ही इसमें मेरे बालों का तेल लग गया था, तो ओवर द टाइम इसने अच्छा काम करना शुरू कर दिया। तो देन आई रियलाइज कि कंघी की गलती नहीं थी, गलती मेरी थी कि मैंने इसको अच्छे से ट्रीटमेंट दे करके यूज़ नहीं करा था। और उसके बाद में जो हम वुडन कॉम्ब के साथ में सबसे बड़ा डिज़ास्टर कर सकते हैं, वो कर सकते हैं इस कंघी को पानी से साफ़ करना। और उससे बड़ा डिज़ास्टर अगर आप जानते हैं तो पानी एंड डिटर्जेंट के साथ में इसको साफ़ करना, क्योंकि वुडन कॉम्ब एज वी ऑल नो, हमारा जो घर में पानी का, जो भी हमारे घर में लकड़ी का फर्नीचर रहता है, हम लोग कभी भी उसको पानी से साफ़ नहीं करते हैं। तो जो वुड की कॉम्ब होती है उसको भी एज द फॉर द सेम रूल बाय द सेम रूल इसको भी कभी पानी से साफ़ नहीं करना होता है। इसको साफ़ करने का वही तरीका है कि आप इसको ऑयल से पूरा कोट करो, उसके 1 घंटे बाद में या 1.5 घंटे बाद में इसको टिश्यू पेपर से या वट एवर यू वॉन्ट टू यूज़ इसको, तो उस ऑयल को इससे क्लीन कर दो। यही मेथड होता है वुडन कॉम्ब को क्लीन करने का। तो जब मेरे को ये चीज़ पता लगी तो मेरे को रियलाइज़ हो गया बहुत अच्छे से कि गलती हमारी थी। आई थिंक जो पहले वाली मैंने कॉम्ब इससे ऑर्डर करी थी बड़े पहले, 4 5 6 साल पहले, वो ऑलरेडी ऑयल ट्रीट होकर के आई हुई थी। बहुत सारी कॉम्ब ऐसी होती हैं जो ऑयल ट्रीट होकर के आई होती हैं, वो आपके बाल पे स्टार्टिंग से स्मूथली वर्क करती हैं। कुछ कॉम्ब ऐसी होती हैं जो स्टार्टिंग से ऑयल ट्रीट होकर के नहीं आई होती, तो वो थोड़ा सा रफ स्टार्टिंग में वर्क करेंगी। तो गाइज, आपको अगर वुडन कॉम्ब सबसे पहले अगर आप खरीदते हो तो उसको ऑयल ट्रीटमेंट दो, 1 घंटा पूरे कॉम्ब को ऑयल से कोट करके, वट एवर ऑयल यू वॉन्ट टू यूज़। मेरे तो बाल में कोकोनट ऑयल रहता है, तो ये आई थिंक कोकोनट ऑयल ही है इस पर भी। तो आप वो यूज़ करके इसको 1 घंटे के लिए छोड़ दो, उसके बाद में किसी कपड़े से, किसी सॉफ्ट कपड़े से, वट एवर यू वॉन्ट टू यूज़, कॉटन, इसमें कंघी है कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, कोई भी कपड़ा लेकर के उस ऑयल को क्लीन करो एंड यू आर गुड टू गो। अगर आपको ऑयल से क्लीन नहीं करना है इसको, आपके बाल ऑयली हो जाए, अगर आपको ये वाला डर है, तो आप इसको सैंड पेपर से भी क्लीन कर सकते हो। होता है ना जिससे दीवार हम लोग घिसते हैं, जब हम लोग नहीं, जब घर में सफाई हो रही होती है तो दीवार को पेंट करने से पहले सैंड पेपर से प्लेन करते हैं, उससे भी इसको क्लीन किया जा सकता है। ये मैंने ऑनलाइन पढ़ा, बट आई वोंट डू इट फॉर नाउ। आगे जाके मेरा एक्सपेरिमेंट करने का मन करे तो वो डिफरेंट बात है, लेकिन अभी के लिए ऑयल वाला मेथड ज़रूर मेरे लिए एकदम बेस्ट है। देखो, मैं आपको दूसरी वाली जो कॉम्ब है ना, आपके लिए ओपन करके आपको दोनों का कलर डिफरेंस अच्छे से बता देती हूँ कि एक ऑयल ट्रीटेड और बिना ऑयल ट्रीटेड वुडन कॉम्ब में क्या डिफरेंस रहता है। इन दोनों में आप कलर डिफरेंस देखो ना, तो बहुत ज़्यादा है। जब मैंने ये बाय किए थे ऑब्वियसली दोनों सेम ही हैं, तो सेम ही कलर के थे, लेकिन ओवर द टाइम इस जो टॉप वाली है उस पर ऑयल लग गया है तो उसका कलर थोड़ा सा चेंज हो गया, और नीचे वाली पे अभी एकदम न्यू है तो इस पर कोई ऑयल नहीं है तो उसका कलर डिफरेंट है। तो अगर आपकी वुडन कॉम्ब से अगर आपको ऐसी फील आ रही है कि अच्छा काम नहीं कर रही है, तो प्लीज़ आप उसको एक बार ऑयल ट्रीटमेंट दे करके यूज़ करने का ट्राई करें, क्या पता काम कर जाए। क्योंकि ये अच्छे से काम नहीं कर रही थी, तो मैंने, ये उसी ब्रांड की थी जो मैंने पहले ऑर्डर करी थी बड़े पहले, उसके बाद मैंने एक नया ब्रांड और ट्राई किया, बीच में मैंने एक दो ब्रांड की और वुडन कॉम्ब बाय करने की ट्राई की कि क्या पता क्या कौन सा अच्छा काम कर जाए कौन सा नहीं करे। तो एक दो मैंने रिटर्न भी कर दी, बिकॉज मैंने जो वुडन कॉम्ब बाय की थी ना, मैंने उसको, देखो ये कितनी बढ़िया है, ठीक है, कितनी बढ़िया, और जो मैंने बाय करी थी ना वो इतनी सी आई थी, इतनी सी आई थी, और मैंने वो वैसे ही रिटर्न कर दिया। और उसके बाद मैंने एक और जो ब्रांड है, ये रूट्स, इस ब्रांड की वुडन कॉम्ब अभी ये 2 3 दिन पहले ही मुझे रिसीव हुई है, इसको मैंने मंगाया, इसको भी मैंने बड़ा सोच करके मंगाया था, लेकिन आपको मैं दिखाती हूँ इसका साइज़ क्या है। ये वाली नीमवुड वाली नहीं है कॉम्ब, ये कॉम्ब आई डोंट नो किसकी है, मैं यहाँ पे लिख दूंगी कहीं पे कौन सी वुडन की है, इसमें नाम मेंशन नहीं है, बट इट्स मेड ऑफ वुड, दैट मीन्स कि ये बाल पे अच्छा काम करेगा, इसमें स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं होगी, इट्स एज सिंपल एज दैट, सिंपल लॉजिक भी यही रहता है। और जो वुडन कॉम्ब में इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो ये होती है कि इसके जो टिप्स हो ना ये राउंडेड हों, और वुडन कॉम्ब के जो ब्रिसल्स हो वो टाइटली पैक्ड नहीं होने चाहिए, थोड़ा उसमें डिस्टेंस रहना चाहिए, जैसा इस वाले में भी डिस्टेंस है। आपको मैं दोनों का बताती हूँ, दोनों का साइज़ डिफरेंस देखो यार, कितना साइज़ डिफरेंस है दोनों में, एक कितनी बड़ी है कितनी छोटी है। ज़्यादा अगर मैं आपको अपने बाल दिखाऊंगी ना, तो आपको ऐसा लगेगा कि ये तो मेरे बाल में घूम ही जाएगी, जो कि मेरे को भी स्टार्टिंग में ऐसा ही लगा था, लेकिन मैंने इसको एक दो बार यूज़ किया तो सही रह गया। देखो, इसमें लिख रखा है ओनली फॉर ड्राई हेयर, एंड दूसरी तरफ पे लिख रखा है इट्स एंटी स्टैटिक। अगर ये ओनली फॉर ड्राई हेयर इसलिए लिख रखा है ताकि अगर वेट हेयर पे आप इसको यूज़ ना कर लें, रीज़न वही है, वुडन चीज़ पे अगर आप पानी लगेगा तो उसकी जो लाइफ है और क्वालिटी है वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी, तो भाई ऐसा मत करना बिल्कुल भी नहीं।
और ये रहा सिंपल सा। अब आपको अगर मेरे बाल ही देखने तो मैं आपको बता देती हूँ। देखो सिंपल सी बात है, मैं अपने बालों को ज़्यादा टॉर्चर करना बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। मैं कोई भी ब्लो ड्रायर या कोई भी हेयर स्ट्रेटनर इस टाइप की चीज़ें बहुत ही ज़्यादा अवॉइड करती हूँ। लास्ट टाइम जब मैंने हेयर स्ट्रेटनर यूज़ करा था तो मुझे याद भी नहीं है कब करा था। आई थिंक 5 6 6 या 7 साल पहले मैंने यूज़ करा होगा। तो ऐसा मत कहना कि आपके बाल फ्रिजी हैं या ऐसा दिख रहे हैं वैसा दिख रहे हैं। मेरे बाल जो नेचुरली हैं वो वेवी हैं। मैं आपको दिखा देती हूँ कैसे मेरे बाल हैं। सी नाउ जज योर सेल्फ कि मेरे बालों की क्वालिटी अच्छी है या नहीं है। रुको थोड़ा कैमरा रोटेट करके आपको अपने बालों की लेंथ भी बता देती हूँ। मेरे बाल अच्छी खासी लेंथ के हैं। सी मेरे बालों की जो लेंथ है वो भी काफ़ी अच्छी है। क्वालिटी, मैं तो अपने बालों की क्वालिटी से बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ। बाकी कुछ लोग कलरिंग वगैरह भी करवाते हैं, मैं वो सारी चीज़ें अपने बालों के साथ करके देख चुकी हूँ, ख़राब कर चुकी हूँ उनको। तो अब मैं अपने बालों के साथ में ज़्यादा छेड़खानी नहीं करती हूँ। अब मेरा सिंपल सा है कि गोल है बस, मेरे बाल हेल्दी रहें, हेयर फॉल कम से कम हो जितना कम हो सकता है, दैट्स इट। और ये रही हमारी आज की वीडियो। इसमें मैंने आपके साथ अपना वुडन कॉम का एक्सपीरियंस शेयर करा है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो या आपको वुडन कॉम को स्टार्ट करना ट्राई करना हो तो भैया आप स्टार्ट करना अभी से ट्राई कर दो। ये कोई सोचने वाली बात है ही नहीं। आपके बाल अगर स्ट्रेट भी हैं, सिल्की भी है, जैसे मर्जी बाल हैं भाई, वुडन कॉम तो आपके बाल पे काम करेगी। और सारे टाइप के जो वुडन कॉम होते हैं ना, अलग अलग सभी ओरिजिनल ही होती है, ठीक है। लेकिन कुछ वुड अच्छी क्वालिटी की यूज़ करी होती है, कई बार थोड़ी ओकेश टाइप की वुड यूज़ करी होती है, लेकिन सारी वुडन कॉम का कॉन्सेप्ट एक ही है, एंटी स्टैटिक। ओके, एंड अगर आपको यूज़ करना स्टार्ट करना है तो आप कभी भी स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपके बाल कैसे भी ट्रीटमेंट से हैं, केमिकल ट्रीटमेंट हुआ है, स्ट्रेट करवाया है, वट एवर यू हैव डन विद योर हेयर, आप वुडन कॉम यूज़ करना स्टार्ट कर सकते हो। क्योंकि इस प्रोडक्ट का ना कोई साइड इफेक्ट नहीं है, सब सिर्फ गुड ही चीज़ है। तो बस आज की वीडियो के लिए इतना ही गाइस, मिलते हैं फिर हमारी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।